Find equation of circle passing through the points 4, 1 and 6, 5 and whose center lie on the line 4x plus y equal to 16. तो एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर जैसे कि ये सेंटर इस लाइन पे लाई करता है 4x plus y equal to 16 इस लाइन पे, और दो पॉइंट दिया हुआ है 4, 1 एंड 6, 5 जो कि सर्कल पे लाई करता है। तो मान लेते हैं ये है 4, 1 और एक और पॉइंट है 6, 5 जो कि ये दोनों सर्कल पर लाई करता है, ए कॉमा बी, और मान लेते हैं ये सेंटर है सी। सेंटर लेट सेंटर बी एच कॉमा के, सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एच कॉमा के। तो सेंटर से सर्कल ए बी का डिस्टेंस और ए का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होगा, तो सी ए इक्वल टू सी बी होगा। एंड चूंकि सेंटर इस लाइन पे लाई करता है तो एच कॉमा के जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर एक्स और वाई का की जगह यहां पर हम रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक इक्वेशन क्या हो गया, 4h प्लस के इक्वल टू 16, ये हो गया इक्वेशन वन। दूसरा इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगा h और k का, दोनों का हम डिस्टेंस बराबर कर देंगे ये, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो दोनों डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट एच माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एच माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस के माइनस 5 के होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच माइनस 4 के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 के स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस 6 के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 के स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें तो एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। अब h को एक साइड ले जाएंगे और k को एक साइड एंड कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे तो क्या हो गया, माइनस 8h माइनस 2k प्लस इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 12h प्लस 10k इक्वलेंट टू 36 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 1। ये और हो गया 4h प्लस 8k इक्वल टू 26 प्लस 25 हो गया ये आपका 61 माइनस 17 इक्वलेंट हो गया 4 एंड 5 में से 1 गया तो हो गया 44। तो 4 अगर से हम दोनों साइड काट दें तो क्या हो गया एच प्लस 2k इक्वल टू 11। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हम h और k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखा जाए तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस 2 करते हैं, क्या हो गया 8h प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में 2k इक्वल टू 32 और ये हो गया h प्लस 2k इक्वल टू 11। माइनस कर देंगे इसे कैंसिल हो गया, ये हो गया 7h इक्वल टू 21। इसलिए h इक्वल टू कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 3। h का वैल्यू अगर हम किसी इक्वेशन में रख दें तो वहां से हमको k का वैल्यू निकल जाए, मान लेते हैं इक्वेशन 2 में रख दें तो क्या हो गया 3 प्लस 2k इक्वल टू 11। 2k इक्वल टू 11 माइनस 3 इक्वल टू 8, इसलिए k इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 3, 4, ये तो मिल गया। अब जैसे कि ये कोऑर्डिनेट मिल गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, अगर हम रेडियस हमें पता चल जाएगा तो फिर हम सर्कल का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या इसका बीच का डिस्टेंस कोई भी एक ले सकते हैं, तो 4, 1 ले लेते हैं तो 4 माइनस 3k होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 10। तो रेडियस कितना आ गया, अंडर रूट 10। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जो सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो तो क्या होता है, x माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है x माइनस 3k होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कितना हो गया 10। ये हो गया आपका इस सर्कल का इक्वेशन, ये हो गया आपका आंसर।